शक्तिपीठ के रूप में शुमार। वागड़ के निठाउआ में स्थापित माँ आशापुरा पूरे वागड़ में ही नहीं बल्कि मेवाड़ में प्रख्यात है। मारवाड़, गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे अन्य राज्यों के भक्तों की आराध्य देवी है। आशापुरा माता का मंदिर राजस्थान के डूंगरपुर में स्थित है। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ की भक्ति में पूरा वागड़ लीन रहता है। मंदिर में स्थापित माँ की मूर्ति के साथ अनेक रहस्यमय कहानियाँ जुड़ी है। श्रद्धालुओं का मानना है माता की चौखट किसी चमत्कार से कम नहीं। माँ आशापुरा मंदिर को डूंगरपुर जिले से 16 किलोमीटर दूर स्थापित है। पौराणिक कहानी यह है कि पृथ्वीराज चौहान की आराध्य कुल देवी जगदम्बा आशापुरा की मूर्ति विक्रम संवत 1380 में मोदपाल ने नाडोल से लाकर यहां स्थापित कराई थी। मोदपाल के 32 पुत्र थे। काकाजी गंगदेव व मोदपाल ने मिलकर वीरता दिखाई। मोदपाल के शरीर पर 84 घाव लगे। आशापुरा माता को दुखहरण माता भी कहा जाने लगा। विक्रम संवत 1352 ज्येष्ठ शुक्ला अष्टमी के दिन आशापुरा माता मोदपाल के स्वप्न में आई और आदेश दिया, मेरी प्रतिमा को रथ में रखकर मालवा की ओर चल दो। जहाँ पर रथ रुक जाए वहाँ पर शासन जमा लेना। मोदपाल अपने 4 बेटों व काका जैत सिंह के साथ सेना लेकर रथ के साथ रवाना हुए। मंदसौर मध्य प्रदेश में रथ का धरा टूट गया। वहाँ शासन जमाया व माताजी जिरण में विराजमान हुए। आज भी वहाँ धरे की पूजा होती है। दुश्मनों ने वहाँ पर भी हमला बोल दिया। नया रथ बनाकर मोदपाल आगे बढ़े तो सांडलपुर के पास जंगलों के बीच गुजरते समय रथ का पहिया टूट गया। वहाँ पर किला बनाया व कुछ समय तक शासन किया। सांडलपुर में आज भी वहाँ पर किला मौजूद है, जो आज भी आशापुरा से 15 किलोमीटर दूर विजवा माता मार्ग पर स्थित है। तभी से माता आशापुरा गामड़ी निठाउआ में विराजमान है। सदियों से मोदपाल वंशज माता जी की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। माता की चौखट पर श्रद्धालु संतान प्राप्ति, असाध्य बीमारियों के निवारण, नौकरी धंधा हेतु मनोकामनाएं लेते हैं। भक्तों की सारी इच्छाएं पूर्ण होने पर भक्तजन मंदिर में चूरमा बाटी, भोजन, वस्त्र, जेवर चढ़ाते हैं। माता जी को चढ़ाए गए वस्त्रों को किसी को भी पहनने की अनुमति नहीं है। हर साल वर्षा ऋतु में सभी वस्त्र माही नदी में विसर्जित कर दिए जाते हैं। वर्तमान में मंदिर की व्यवस्था हेतु चौहान राजपूतों का एक पंजीकृत ट्रस्ट निर्मित है, जिनके द्वारा मंदिर की देखरेख की जाती है। देखते रहिए OTT इंडिया TV, रग रग में हिंदुस्तान।